वेलकम टू नूर होममेड ब्यूटी टिप। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एंटी एजिंग फेस मास्क लेके आई हूँ जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज मैं आपको एंटी एजिंग फेस मास्क बताऊंगी जिनकी स्किन पे 40 से पहले फाइन लाइंस आ गई हैं, रिंकल्स आ गए हैं, तो ये रेमेडी उनके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले आपने आलू लेना है। आलू को आपने कद्दूकस कर लेना है। तो आलू के मैंने छिलके उतार लिए थे, कद्दूकस करके रख लिया था और उसका जूस भी निकाल के रख लिया था आपको दिखाने के लिए। तो आपने यहाँ पे जो जूस है, 2 चम्मच आपने जूस लेना है, 1 चम्मच आपने कॉफ़ी लेनी है। जो मेरी कॉफ़ी थी वो थोड़ी थिक हो चुकी थी, लेकिन आपने 1 चम्मच इसमें कॉफ़ी ऐड करनी है आलू के जूस में। मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। और इसमें 2 चम्मच आपने कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल जो आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं और जो पंसार से मिल सकता है वो भी ले सकते हैं, जो ओरिजिनल होता है उसकी बात कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे मेरे पास रोज़ जेल है, रोज़ वाटर जेल। आपके पास गुलाब के अर्क का पानी हो तो आप वो भी ले सकते हैं, रोज़ वाटर जिसको कहते हैं। आपने 2 चम्मच रोज़ वाटर लेना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। इतना मिक्स करना है ये बिल्कुल हर चीज़ इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छा, इसको अप्लाई करने का तरीका जो है, कॉटन पैड से आपने इसको अप्लाई करना है रात को सोने से पहले। आप इसको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। 7 डे तक इसका टाइम है इस फेस मास्क का। आपने कॉटन पैड से इसको अप्लाई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए, तो उस पर ज़रूर आएंगे। इसको 10 मिनट तक लगा के रखना है, उसके बाद आपने फेस वॉश कर लेना है। आप देख सकते हैं आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी इससे। और ये जो रेमेडी है आपने 2 हफ्तों तक यूज़ करनी है, बेस्ट रिजल्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दोबारा आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।